गुड इवनिंग चिल्ड्रन, एंड दिस इज आई एम अश्योरिंग यू दिस इज द लास्ट पार्ट, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमारा जो है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है लेक्चर. वो आपके ही उसके लिए है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना. सो दिस इज नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू विटामिंस, ओके, देयर सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस. ओके, सो विटामिन ए, है ना, लेट्स स्टार्ट विद विटामिन ए. विटामिन ए इट्स केमिकल नेम इज व्हाट, रेटिनॉल. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल. और सोर्सेज जो होती हैं जिसमें ये आप अपने उसमें बुक में भी देख सकते हैं, प्रॉपर पिक्चर्स दी हुई हैं, बनी हुई हैं, जिससे आपको अच्छे से याद रहे, लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बटर, एग योक, कैरेट एंड फिश, है ना. और डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, अगर आप ये अच्छे से नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो लॉस ऑफ विजन, और इट कैन लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस ऑल्सो. इसके बच्चों सिम्टम्स क्या हैं, बहुत सारे सिम्टम्स भी हैं, अगर आपको कैसे पता चले, हाउ कैन यू, हाउ कुड यू बी एबल टू नो दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. तो पहली चीज़ ये आईज, ड्राइनेस ऑफ आईज आप देखेंगे, इम्प्रॉपर विजन. ओके, अनदर थिंग, अ पर्सन कैन फाइंड यू नो डिफिकल्टी इन सीइंग ड्यूरिंग यू नो डार्कनेस ड्यूरिंग नाइट, इसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. एंड समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, completely the vision is lost. तो ये हमें क्या indicate करता है, deficiency of vitamin A. I think you understand now how important it is. Okay, थोड़ा blur हो गया, fade हो गया, ये लिख देते हैं दोबारा. Okay, not clear. Now next vitamin is vitamin B1. मैंने आपको बताया था vitamin B is, you know, we consist of, it is a water soluble, it is fat soluble vitamin. This is water soluble vitamin. We are going to discuss only one type, B1, which is thiamine. Okay, varna B2, B3. Okay, B2 is riboflavin, B3 niacin, B12 साइनोकोबालमिन, ये सब होते हैं. ये आप शायद आगे, आप आगे क्लासेस में देखेंगे, राइट. विटामिन B1 पे हम फोकस करते हैं, दिस इज थायमिन. इसकी रिच सोर्सेज हैं एग्स, होल ग्रेन्स, स्प्राउट्स, ईस्ट एंड मीट. ओके, एंड द डेफिशिएंसी डिजीज इज एक्चुअली व्हाट, बेरी बेरी. ये तो हर बच्चे को याद रह जाती है, बेरी बेरी. ओके, इसका फंक्शन क्या है, जैसे विटामिन ए का मैं आपको बताने ही भूल गई, जब सिम्टम्स वो हैं तो फिर सिम्टम्स मैंने आपको बताया था, ड्राइनेस ऑफ आईज, इन प्रॉपर विजन. तो विटामिन ए का पहले फंक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, विच वॉज स्किप्ड फ्रॉम माई माइंड. कीप्स आईज, यू नो, आईज, स्किन, हेयर हेल्दी, ये विटामिन ए का फंक्शन है. अब बी1 का फंक्शन हम देखते हैं कि बी1 का फंक्शन बेसिकली क्या है, ये इट हेल्प्स इन डाइजेशन, विटामिन बी1. ओके, एंड मेंटेन्स नर्वस सिस्टम ऑल्सो. नर्वस सिस्टम के लिए कौन सा वाला विटामिन, विटामिन बी1. ओके, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड डाइजेशन ऑल्सो. तो बच्चों बेरी बेरी अगर हो जाएगी तो क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे, किसको पता चले कि कैसे क्या है ये बीमारी. सिम्टम्स इसके क्या है, वीक मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. वीक मसल्स होती हैं, बहुत कम एनर्जी होती है, क्योंकि आप काम करने में आप ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेंगे. इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ये भी आएंगे. जब ये डाइजेशन में हेल्प करता है तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ऑल्सो, एंड समटाइम्स हार्ट अबनॉर्मेलिटीज ऑल्सो. ओके, नाउ विटामिन सी. विटामिन सी आप खुद बता सकते हैं, आई थिंक यू कैन आंसर. विटामिन सी भी कैसा है, वाटर सॉल्यूबल, है ना. इट्स केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड. क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड. ये दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टू रिमेंबर. अगर सोर्सेज की हम बात करें तो इट इज़ क्वाइट ईजी टू रिमेंबर इट्स सोर्सेज. क्या है, सारे खट्टे फ्रूट्स, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स लाइक लाइम, ऑरेंज, टमेटोज, गुआवा, एंड इनफैक्ट ग्रीन चिली ऑल्सो. आई एम गोइंग टू अंडरलाइन, कुछ लोगों को लगता है कि ग्रीन चिली में तो नहीं होगा विटामिन सी, बट येस, ग्रीन चिली कंटेन्स विटामिन सी. सो लेट्स कम टू इट्स फंक्शंस, के क्या क्या होते हैं. हेल्प्स टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड कीप्स टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी. तो इन्फेक्शन से हमें ये बचाता है ना, और गम्स को स्ट्रांग रखता है, गम्स एंड टीथ. ओके, उसको भी, उसकी भी कंडीशन अच्छी बनी रहती है. अगर विटामिन सी
हमारे ऑब्वियसली हमारी डाइट में हम कम ले रहे हैं. सो व्हाट इट विल लीड टू, इट विल लीड टू अ कंडीशन नोन एज स्कर्वी. इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली लूजनिंग ऑफ टीथ. जब आपको बताया मैंने कि इसमें ये किसमें हेल्प करता है, ये इसका फंक्शन क्या है, और जब ये चीज़ मिसिंग होगी तो उसका वही ऑब्वियसली वो फंक्शन नहीं प्रॉपर हो पाएगा. सो इट विल लूज लीड टू लूजनिंग ऑफ टीथ, स्पंजी एंड ब्लीडिंग गम्स. दांतों में से आपने देखा होगा कभी कभी गम्स में से खून आ रहा होता है ना, वाइल ब्रशिंग ऑल्सो. या फिर आपने एप्पल खाया या कुछ ऐसा थोड़ा सा हार्ड फ्रूट खाया तो क्या हो जाता है, ब्लड सा आने लगता है. इट मीन्स विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, या तो कुछ गम्स में ही इन्फेक्शन है, या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, या फिर इंक्रीज्ड ससेप्टेबिलिटी टू डिजीजेस. बहुत जल्दी जल्दी जो एक कहते हैं ना इम्यून सिस्टम, उसमें भी ये हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी डिवेलप कराने में. ओके तो जल्दी जल्दी ऐसे में बीमार भी पड़ते हैं जो लोग विटामिन सी का इंटेक अच्छा नहीं रखते. ठीक है, स्लो हीलिंग ऑफ वूंड्स. कोई चोट लग गई तो क्या होगी, इट विल टेक टाइम टू हील. हीलिंग में हीलिंग भी क्या होगी, डिलेड हीलिंग. हीलिंग विल बी डिलेड. ओके, नाउ विटामिन डी. विटामिन डी इट्स केमिकल नेम इज कैल्सिफेरॉल. ओके, एंड इट्स सोर्सेज आर मिल्क, फिश, एग्स, है ना. ये सारी जो सोर्सेज हैं आप देख रहे हैं एनिमल सोर्सेज ही हैं. और एक जो है जो विटामिन डी की जो वी नो दैट द विटामिन डी इज फैट सॉल्युबल, और एक बहुत ही नेचुरल सोर्स है जो हमें फ्री में मिलती है विच इज सनलाइट. ओके, सनलाइट. लेकिन आजकल आप देखेंगे विटामिन डी भी बहुत ही डेफिशिएंसी लोगों को होने लगी है, तो उसके बहुत सारी रीजंस भी हो सकते हैं. ठीक है ना, एक तो हमारे विटामिन डी हम अच्छे से अब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे हैं. ज़्यादातर लोग इंडोर्स अंदर ही रहते हैं, है ना, बाहर नहीं निकलते, वो भी रीज़न हो सकता है. या फिर बहुत ठंडी जगह पे जहाँ पे आप वेदर बहुत वैसा देख रहे हैं जहाँ पे सन जो है सही से आप विजिबल ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है. दूसरी बात पोल्यूशन. इतनी सारी थिक गैसेस और ये सब जो है एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट हैं कि सनलाइट को ऑब्वियसली हम हमारी स्किन तक पहुंचने में और इफेक्टिव तरीके से, क्योंकि क्या होता है ये सन स्किन पे, बस बहुत सिंपल टर्म्स में आप बोलेंगे स्किन पर ये फॉल करता है विटामिन डी. इस ठीक है, बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, उसमें विटामिन डी क्या होता है ये सिंथेसाइज हो जाता है, यानी बन जाता है, फ्री में बन रहा है समझ लीजिए. ओके, और इसका आप इम्पॉर्टेंट रोल भी आपको पता चलेगा जब वेन वी विल डिस्कस कैल्शियम. ओके, तो रिकेट्स, इट रिकेट्स हो जाती है ऑस्ट्रोमलेशिया इन एडल्ट्स एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन. तो फंक्शन हम पहले पढ़ लेते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं. एड्स हेल्प्स इन नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, है ना. और जब ये कमी होगी तो क्या होगा, बोन्स बिकम सॉफ्ट. ओके, बोन्स तो हार्ड होनी चाहिए ना थोड़ी, और जब बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी तो क्या होंगी, दे में जॉइंट ऑल्सो बेंट ऑल्सो, है ना. जॉइंट एंड बोन डिफॉर्मिटीज सच एज बो लेग्स एंड पिजन चेस्ट एंड सॉफ्टनिंग ऑफ रिब्स ऑल्सो एंड प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन, ये बहुत सारे इसमें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ सिम्टम्स. आप दो तीन भी याद रखेंगे तो वो काफ़ी है. ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि बोन्स बिकम सॉफ्ट ड्यू टू बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. और जब बोन्स सॉफ्ट होंगी तो दे कुड बी बेंट ऑल्सो. ओके, बो लेग्स हो जाते हैं, विच आई कैन शो यू ऑल्सो के ऐसे बना के. विटामिन डी देखिए, जब आपकी बॉडी में नहीं होगा तो ऐसे करके बोन्स मैं ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे ये सपोज नीज है तो इस तरह से बो लेग्स हो जाते हैं. ओके, और तो बच्चों बो लेग्स और या फिर नॉक नीज, नीज आपस में घुटने, है ना, ये मिल जाते हैं, तो उसे हम रिकेट्स के उससे बोलते हैं कि रिकेट्स. बच्चों में रिकेट्स बहुत कॉमन है जो विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग विद हियर नाउ कैल्शियम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिशिएंसी डिजीजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिनरल्स. आपने मिनरल्स का कोई सही अमाउंट नहीं लिया है और उसकी वजह से कोई डिजीज हो जाए. ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. सो थ्री इंपॉर्टेंट मिनरल्स यू नो आर देयर इन योर बुक, एंड सो कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट. तो कैल्शियम हम सबसे पहले लेते हैं. रिच सोर्सेज आर मिल्क, एग्स, चीज, बटर, ये सब होता है कैल्शियम की सोर्सेज. और इसके फंक्शंस अगर आप जाने तो व्हाट इज इट्स फंक्शन. कैल्शियम का हमें पता होना चाहिए दैट इट स्ट्रेंथन्स बोन. बोन को क्या बनाता है, स्ट्रांग बनाता है. स्ट्रेंथन्स बोन, बोन्स एंड टीथ.
बोन्स और टीथ को क्या बनाता है, स्ट्रांग बनाता है. ओके एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस, वीक बोन्स एंड टूथ डेके. वीक अगर ये नहीं होगा ऑब्वियसली, जब ये आपको कैल्शियम सही अमाउंट में नहीं मिलेगा तो व्हाट यू विल सफर, यू कैन सफर फ्रॉम वीक बोन्स एंड टूथ डेके. ठीक है. और बच्चों सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, अब अगर ये अगर आप किसी को भी जो है डेफिशिएंसी हो रही है तो सिम्टम्स क्या होंगे, ब्रिटल बोन्स, बोन्स विल बिकम वेरी वीक, दैट दे कुड ऑल्सो ब्रेक, टूट सकती है. ठीक है, ब्रिटल. एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बहुत एक्सेसिव हो सकती है, वीक टीथ एंड बोन्स. और क्या होते हैं, बहुत ही कमजोर जो है, ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे कि दे आर वेरी वीक, दे गम्स में अच्छे से जो है वो पोजीशन नहीं होंगे, वीक बोन्स एंड टीथ. ठीक है. और आप आयरन की बात करें तो आयरन इज एक्चुअली रिच इन क्या क्या सोर्सेज हमें खानी चाहिए, लाइक सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, स्पिनच, ये सब आयरन की बहुत अच्छी सोर्सेज हैं. और आप मीट भी कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट. और अगर आप अगर कोई जो है इसके ऑब्वियसली फंक्शंस हमें सबसे पहले पता होने चाहिए, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स. किसकी हेल्प करता है इसमें, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ओके, एंड रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज में. और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, अनीमिया. सो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज अनीमिया. ओके, अनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं चिल्ड्रन, पेल बॉडी कलर, बिल्कुल आपको पेल दिखेगा उसमें. ठीक है, पेल बॉडी कलर, आपको एक तरह का कहते हैं बहुत ही डल स्किन आपको दिखेगी, है ना. बॉडी फैटीग, बहुत जल्दी थक जाते हैं, है ना. वाइट नेल्स, नेल्स विल बी वाइट. ओके, लॉस ऑफ वेट, स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ व्हाट, अनीमिया. ओके, दूसरी चीज आयोडीन, बस दिस इज द लास्ट वन. आयोडीन इज रिच इन व्हाट, सी फूड्स, सॉल्ट, सॉल्ट स्पेशली आयोडाइज्ड वन. ठीक है, ऐसी नॉर्मल सॉल्ट नहीं, जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है उसमें भी आयोडीन होता है अच्छा खासे अमाउंट में, विच इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. जिंजर, सी फूड्स में आप कह सकते हैं फिश, लॉबस्टर, क्रैब्स, ये सब जो होते हैं दे हैव लॉट्स ऑफ आयोडीन इन देम. तो क्या होता है, जितने भी लोग जो होते हैं, दोज पीपल दैट लिव इन कोस्टल रीजन्स, वो दे डोंट सफर फ्रॉम आयोडीन डेफिशिएंसी. अगर वो सी फूड्स खाते हैं तो वो दे कैन नॉट सफर फ्रॉम आयोडीन, है ना. तो ये एक तरह की कैसी डिजीज है, आप कह सकते हैं दिस डिजीज इज एंडेमिक. ओके, विच इज यू नो स्पेसिफिक टू रीजन, ये नहीं कि हर जगह ये प्रेविलेंट है. ओके, तो कैसे रीजन्स में, बहुत माउंटेनस रीजन्स में जहाँ पे सी फूड इतना कॉमन नहीं होता, तो वहाँ पे क्या होता है, नेचुरली तो आपको आयोडीन नहीं मिलेगा, बट इफ़ यू आर कंज्यूमिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट तो फिर क्या होगा, देर विल बी नो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. और इसकी डेफिशिएंसी से क्या बीमारी हो जाती है, गोइटर. ओके, तो हम एक शॉर्ट में पहले बस जरा से समझ लेते हैं कि आयोडीन एक्चुअली क्या है. आयोडीन इज एक्चुअली ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन, एक हार्मोन होता है, थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे, थायरोक्सिन का कंस्टिट्यूएंट है आयोडीन. ओके, और थायरोक्सिन कहाँ, थायरोक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड थायरॉयड ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन. बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए, थायरॉयड ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है, थायरोक्सिन. ओके, और जब इसकी ऑब्वियसली इनएडिक्वेट अमाउंट होगा तो क्या होता है, थायरॉयड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक रीजन एंड दिस थायरोक्सिन, ये जो थायरोक्सिन होता है, इट कंट्रोल्स द रेट एट विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी विच रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डिवेलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू. समझ रहे हैं. और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, इन शॉर्ट अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, रिटार्डेड ग्रोथ. क्या होगा बच्चों, रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ विल बी रिटार्डेड, मेंटल डिसेबिलिटी, mental disability and abnormal enlargement of the thyroid gland called goiter.
ओके, नेक में जो है, अब थायराइड ग्लैंड आपको बता ही दिया मैंने कि नेक में प्रेजेंट होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाती है, गोइटर भी हो जाती है जब एग ज़्यादा ही डेफिशिएंट होता है, तो अब नॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाता है उस ग्लैंड का, तो उसे हम कहते हैं गोइटर। गोइटर डिजीज इज रेयर अमंग पीपल लिविंग अलॉन्ग द सी कोस्ट। सी कोस्ट में मैं आप बता चुकी हूँ ये सारी बातें आपको, है ना। और इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, वेयर जिस जहाँ पे आयोडीन कंटेंट सॉइल में वाटर में कम होता है, तो ऐसे जगह पे गोइटर के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए आजकल क्या किया जाता है, एडिशन ऑफ आयोडीन सॉल्ट्स, एग्जाम्पल पोटेशियम आयोडेट, ये सब पानी में मिला उसमें सॉल्ट में मिला के हमें दिया ही जाता है, बिकॉज सॉल्ट इज एन इंग्रेडिएंट जो हम मिस करते ही नहीं है खाने में। तो इस तरह से क्या होता है चिल्ड्रन, ये सबके, चाहे वेजिटेरियंस हैं नॉन वेजिटेरियंस हैं, सबके फूड में आयोडीन पहुंच जाता है, एंड यू रेयरली सी अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम गोइटर। थैंक यू।